अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेवन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 की दूसरी एक्सरसाइज का आज आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया गया है सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y प्लस 7 फ्रॉम द सम ऑफ टर्म्स। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है किन टर्म्स के सम से, तो हम डायरेक्टली वो लिखेंगे, उनका सम हम पहले लिखेंगे। टर्म्स हैं 4x प्लस 14xy प्लस 8 और यानी डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्लस 3xy माइनस 7x प्लस 5y। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 3x प्लस 4y प्लस 7। ये हमें इन दोनों के सब सम से सब्ट्रैक्ट करना है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है एंड, तो मैंने एंड के बदले डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिखा क्योंकि सब ऐड करना है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का पहले ऐड देख लेंगे, ये है 4x माइनस 7x, तो कितने x हो गई, माइनस 3x। अब प्लस 14xy और प्लस 3xy को ऐड करेंगे तो प्लस 17xy मिल जाएगा। इसी तरह से y तो अकेला है यहाँ पे, तो प्लस 5y प्लस 8, तो ये हमें इनका सम आ गया इन दो टर्म्स का। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 3x ये तो माइनस 3x बन जाएगा, माइनस 4y बन जाएगा और माइनस 7 बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये एक्चुअली माइनस 4y है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो प्लस 4y ये बन जाए, ये प्लस 4y बन जाए। आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 3x माइनस 4y प्लस 7 है, तो ये माइनस 3x प्लस 4y माइनस 7 बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेन एवर वी कंडक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू टर्म्स, द टर्म विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड गेट्स इट साइंस चेंज्ड इन एवरी दिस यूनिट, जो भी हमारा ये जो भी हमारे जितने भी टर्म्स, इन एवरी टर्म द साइन गेट्स चेंज्ड। तो अब हम देख लेंगे माइनस 3x और माइनस 3x कितने 3x हो गए, कितने x हो गए, माइनस 6x हो गए, ये माइनस 3x है यहाँ पे और माइनस 3x हो गए कितने, माइनस 6x। ठीक, इसके बाद क्या है xy तो अकेला है यहाँ, प्लस 17x y। उसके बाद एक और जो टर्म जिसमें कोएफिशिएंट है y, आप चेक कर लीजिए, एक जगह पे है 5y और दूसरी जगह पे है कितने 4y हो गए 9y। अब आप कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिए, प्लस 8 माइनस 7 तो प्लस 1 रह जाए, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। हम इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा इसमें बदलाव भी ला सकते हैं, क्योंकि हम माइनस टर्म कभी पहले नहीं लिखते हैं, लिहाजा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17xy माइनस 6x प्लस 9y प्लस 1। तो दिस इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट दैट वी गॉट बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस टू टर्म्स। ठीक है ना, इन दो के सम से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 3x माइनस 4y प्लस 7, तो हमें मिला 17xy माइनस 6x प्लस 9y प्लस 1।